Hello guys, welcome to Goa Vibe. और ये है हमारा इम्तियाज भाई. यो एक्चुअली हमें 7 बजे पहुंचना था यहाँ पे, हमारा आज फंक्शन है तो 7 तो यही बज के लेट हो गए थे हम लोग. लेट्स सी, देखते हैं क्योंकि यार एक्चुअली गोवा में बारिश बहुत हो रही है. अगर आप आ रहे हो तो थोड़ा बी केयरफुल, ये बारिश बहुत है. आपको अगर जाना है कहीं तो फिर या तो आपको बाइक पे रेनकोट वेयर करना पड़ेगा, वरना फिर कार हायर कर सकते हैं आप. कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं. गोवा में ज़्यादा कार हायर करने के लिए आपको अगर चाहिए तो रेंटल ज़्यादा प्राइस नहीं पड़ता, 1500 या 1200, 1300, 2000. अगर आपको चाहिए बेस्ट एंड चीप एंड बेस्ट प्राइस तो मैं लड़के का नंबर शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उनसे कांटेक्ट कर सकते हो. और कार वार जो भी चाहिए, बाइक वाइक सब. गाइस आप देख सकते हो गोवा के मानसून कैसे हो सकता है. अब देखिए, अब हम जा रहे हैं पोरबोरम की तरफ. अभी गोवा में जो रास्ते थे, जो पुराने रास्ते थे, उसमें गाड़ी चलाने के लिए बहुत तकलीफ होता था. अभी नया रास्ता बन गया है और बहुत बढ़िया तरीके से बनाया है. मतलब ऐसा बन गया है कि आपको लगेगा कि हाँ, अब लग रहा है कुछ गोवा नया तरीके से बनाया हुआ है. अब हम जा रहे हैं पोरबोरम की तरफ. तो गाइस अब हम चल रहे हैं, बस आगे आपको आगे का चीज हम दिखाएंगे, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद. कितने 4 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रहा है और इतने तेज बारिश हो रहा है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है. आप यकीन नहीं करोगे. देखो थोड़ी देर सामने थोड़ी एक चर्च आता है जो बहुत ही फेमस है गोवा के लिए. इस जगह पे बहुत सारे शूट होते हैं मोबाइल में, एंड बहुत ही पीसफुल चर्च है ये. आप देख सकते हैं गाइस, थोड़ी सी आगे जाने के बाद आपको दिखाते हैं चर्च. तानु भाई ये चर्च पता है ना आपको, कितना फेमस है. सामने वाले जहाँ पे बहुत सारे शूट होता है, यहाँ पे देखिए गाइस, ये अभी चर्च आने वाला है थोड़ी देर में. पहुंच गए हम चर्च की तरफ. ये पोरबोरम में और कलंगूट से बीच पे डॉल्फिन सर्कल के बाद में बीच में ये चर्च पड़ता है. बहुत ही फेमस है ये चर्च, आपको शायद दिख रहा होगा चर्च. ये चर्च बहुत ही फेमस है गाइस. और ये रोड, इस रोड पे भी बहुत सारे शूट होते हैं. इवनिंग टाइम में पोरबोरम साइड अगर पंजिम सिटी से आ रहे हो इवनिंग टाइम में, तो सोच समझ के यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट रोड होते हैं जो हम नेक्स्ट ब्लॉक पे लाके आएंगे और दिखाएंगे आप लोगों को. अगर पंजिम जाना हो तो मेन हाईवे शाम के टाइम में कभी मत पकड़ना, मेन रोड कभी मत पकड़ना, क्योंकि यहाँ पे शाम के टाइम पे बहुत सारे ट्रैफिक होता है. मतलब आपको हर, मतलब जैसा लाइक बैंगलोर, मुंबई, ये सब जगह जैसे शाम के टाइम में इवनिंग ट्रैफिक होता है, वहाँ पे भी शाम को पोरबोरम में इतना ट्रैफिक होता है पंजिम जाने के लिए. तो पंजिम के बहुत सारे रास्ते होते हैं जाने के लिए. यहाँ से 2-3 रास्ते होते हैं जो शॉर्टकट पड़ता है और फॉरेस्ट के अंदर से भी रहता है. तो नेक्स्ट ब्लॉक पे वो लाऊंगा. चलो देखते आगे क्या होता है. कट कर दो, कट कट इसको कट.